आगे बढ़ते हैं, मायावती का महामंथन आगे बढ़ते हुए बात यूपी चुनाव को लेकर। मायावती ने अभी पूरी तरीके से पत्ते अपने नहीं खोले हैं। एक तरफ बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा चुनावी कार्यक्रमों में लगातार जुटे हुए हैं, तो मायावती फिलहाल संगठन पदाधिकारियों संग यूपी फतेह की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। आज मायावती ने पार्टी दफ्तर पर एक अहम बैठक बुलाई है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने सभी जिलाध्यक्षों मुख्य सेक्टर के प्रभारियों को बुलाया है और मायावती पार्टी दफ्तर में इनसे फीडबैक लेने वाली हैं। चुनावी अभियान को धार देने के लिए रणनीति पर विचार किया जाएगा और इस बैठक में पार्टी के आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। आगे किस तरीके से मैदान में दिखाई देंगी मायावती, इसकी भी रूपरेखा तय होगी। और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुभव, अगर देखें तो बसपा अभी तक रैलियों में जाती हुई मायावती ना तो नजर आई हैं और ना ही उस तौर पर तैयारी बसपा की नजर आ रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, क्या खास रहने वाला है आज? देखिए, अगर बीएसपी की बात करें तो उसका जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें मुख्य सेक्टर प्रभारी, कोऑर्डिनेटर जो मंडल के कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो जिला अध्यक्ष, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और इसीलिए आज जो ये बैठक मायावती ने बुलाई है, जितने भी संगठन के जिले हैं उनके सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया है और साथ ही साथ जो मुख्य सेक्टर प्रभारी है जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, टिकट देने से लेकर पार्टी के जो कार्यक्रम है उन सब में उनकी भूमिका होती है, तो उनके साथ ये बैठक मायावती ने बुलाई है। और देखिए, थोड़ा सा हमें बीएसपी में बदलाव नज़र आ रहा है। बदलाव कैसे नज़र आ रहा है? बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो भी बैठकें पहले करती थी वो मीडिया को बाद में एक प्रेस रिलीज जारी होती थी, पर पिछले कुछ समय से स्ट्रेटजी उन्होंने बदली। अब क्या करती हैं कि पहले जिनके साथ मीटिंग होती है उनके साथ एक फोटो अपॉर्चुनिटी होती है, जिन लोगों को बुलाया जाता है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और फिर वो अपनी बैठक करती हैं। इससे पहले जो 86 सुरक्षित सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उनके सभी विधानसभा प्रभारियों को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मीटिंग के लिए बुलाया था, तब भी यही रणनीति अपनाई गई। पहले मीडिया को बुलाया गया, वीडियो फोटो अपॉर्चुनिटी कराई गई, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम सारी बातों पर चर्चा की। आज जब सभी जिला अध्यक्षों को बुला रही है, जो मुख्य सेक्टर प्रभारी उनको बुला रही है बैठक करने के लिए, तो उससे पहले भी एक फोटो अपॉर्चुनिटी होगी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और फिर ये बैठक शुरू होगी। इस बैठक में ये भी तय होगा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती कहाँ कहाँ रैलियाँ करेंगी, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। ये मान के चलिए कि 20-25 दिनों बाद उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी, यानी चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएंगी, और ऐसे में आज ये जो बैठक बुलाएगी इसमें आगे के जो कार्यक्रम है, कहाँ बड़ी जनसभाएं होनी है, कहाँ पर पार्टी के कौन कौन लोग जाएंगे, किस तरीके से जो पूरा चुनावी कैंपेन होगा, चुनावी प्रचार होगा, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना, वक्त की नजाकत को भापते हुए अपने तरीकों में बदलाव किया है मायावती ने। और आज भी देखना दिलचस्प होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कुछ कहती हैं, उसके बाद जब बैठक से क्या बाहर निकल करके सामने आता है उस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए।